बांदा जेल की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए आज उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 3 सदस्यीय जांच टीम के साथ मंडल कारागार की सुरक्षा व्यवस्था देखी। आपको बता दें कि बागपत जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी कांड के बाद प्रदेश भर की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और सुरक्षा इंतजामों को जांचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है और 2 माह के अंदर प्रदेश भर की जेलों की सुरक्षा के इंतजाम की जाँच कर रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा गया है। इसी क्रम में पूर्व डीजीपी बांदा मंडल कारागार पहुंचे और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की जाँच की। उन्होंने बताया कि हमने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित हर छोटे बड़े अधिकारियों से पूछताछ की है, जेल में बंदियों से भी बात की गई ताकि सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का पता चल सके और इन्हें दूर भी किया जा सके। जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी समिति कुछ जेलों का दौरा किया हम लोग और इसमें सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ही हम लोगों ने पूछताछ किया, अधिकारियों से बात सुबह किया, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों से बात किया, कुछ बंदियों से भी इसमें पूछताछ की गई ताकि ये हम पता लगा सकें सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ खामियाँ कैसे हो सकती हैं, उसमें क्या किया तो ये हम लोगों ने इसका पूरा परीक्षण किया है। हमने ये भी इसमें देखा कि स्टाफ की क्या कमी है, छुट्टियाँ कैसे पूरी होनी चाहिए, 24 घंटे ड्यूटियाँ लगातार मौजूद रहें, कोई ना कोई अधिकारी जेल में हमेशा मौजूद रहे, के पॉइंट्स नोट किए हैं। फिर अब हम लोग अपनी रिपोर्ट अगले महीने शासन को सौंपेंगे, उसके बाद ही इसमें कार्रवाई होगी। न्यूज़ बीके के लिए बांदा से अनिल गौतम के साथ जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।